नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से भारत के अंतर्गत भी और भारत के अंदर भी अब जो है लॉकडाउन हो चुका है। केंद्र सरकार मोदी सरकार ने जो है भारत के अंदर लॉकडाउन कर दिया है, जिसकी वजह से गरीब तबके के लोग, मजदूर वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल में गरीब तबके के लोग, मजदूर वर्ग के लोग जो है एक जगह से जाके दूसरी जगह पे जाके काम कर रहे थे, यानी कि अपने घर को छोड़ कर कहीं और काम कर रहे थे, उन लोगों को इसका बड़ा नुकसान हुआ है। वह लोग जो है अब वापस अपने घर की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में जो है प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने जो है इस स्कीम के अंतर्गत एक ऐलान किया है कि अब जो है जनधन खाता धारक जितने भी है उन लोगों को 1500 रुपये देने का सरकार ने ऐलान किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1,70,000 करोड़ का फिलहाल में जो राहत पैकेज गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो है जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है कई सारे पैकेजेस, अलग अलग छोटे छोटे पैकेज शामिल है, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें शामिल है, मैं आज आपको वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है सुनील पटेल और आप देख रहे हैं सर्विस भास्कर चैनल। इस चैनल पर आपको मिलेगी सरकारी अपडेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं जनधन योजना के अंतर्गत जो 1500 रुपये मोदी सरकार ने देने का ऐलान किया है वो किन लोगों को मिलेगा, इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है और किन लोगों के खाते में ये पैसा आएगा। जैसे तो आप सभी जानते हैं कि 1500 रुपये देने का इसके अंतर्गत ऐलान किया है, तो पहली टर्म एंड कंडीशन तो ये है कि यह पैसा जो है ये महिला वर्ग को ही दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, महिला वर्ग को ही यह पैसा दिया जाएगा, इसके अंदर पुरुष वर्ग को पैसा नहीं दिया जाएगा। महिला वर्ग के जो जनधन खाते हैं, महिलाओं के जो जनधन खाते हैं, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो खाते खोले गए थे, जीरो बैलेंस खाते हैं, उन महिलाओं को जो है 500 रुपये प्रति माह, जी हाँ दोस्तों 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से ही पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 1500 रुपये इकट्ठा नहीं बल्कि 500 रुपये अप्रैल, 500 मई और 500 जून के अंदर दिया जाएगा, यानी कि 1500 रुपये ऐसे करके आपको 500-500 की किस्त में दिया जाएगा। यह तो रही आपकी पहली कंडीशन कि यहाँ पर पुरुष वर्ग को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ महिला वर्ग के खाते में पैसा आएगा। दूसरी बात यह है कि दूसरी टर्म एंड कंडीशन इसके अंतर्गत जो है कि इसका खाता चालू होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यह खाता बहुत सारे लोगों का जो है, बहुत सारी महिलाओं का खाता जो बहुत पहले खुल चुका था जनधन योजना के अंतर्गत, जो है काफ़ी योजना काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इसके अंतर्गत काफ़ी सारे खाते खुले हैं। काफ़ी महिलाओं ने जो है खाता मेंटेन करके नहीं रखा है, किसी का बैलेंस नहीं है उसके अंदर, किसी ने चेक भी नहीं करवाया है, किसी ने खाते के अंदर पैसा जमा नहीं किया है, निकाला नहीं है, तो उन महिलाओं का खाता शायद बंद हो चुका है। तो आप जो है नियरेस्ट आपके आसपास जो है बैंक है जहां आपका खाता खुला है, वहां जाके आप उसको चेक करवाइए, वहां उसके अंदर पैसा डलवाइए, आप KYC करवाइए। KYC अपडेट होने के बाद ही आपका पैसा आएगा। अगर आपकी KYC अपडेट नहीं है, आपका खाता बंद है, तो आपके खाते में बिल्कुल पैसा नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आपके नियरेस्ट बैंक में जाके आप अपने बैंक खाता जो है अगर बंद हो चुका है तो उसको चालू करवाइए, तभी 500 रुपये जो है उस खाते के अंदर डलेंगे। साथ ही गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने फिलहाल में 3 महीने का गैस भी फ्री देने का वादा किया है, जिसके अंतर्गत जो है 3 महीने तक जो है गैस सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना है उसके अंतर्गत जो है 3 महीने तक गैस सिलेंडर जो है मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो है उसके अंतर्गत भी जो 1000 रुपये देने का वादा सरकार ने किया है। इसी प्रकार से गरीब राहत पैकेज, जो गरीब कल्याण योजना का जो 1,70,000 करोड़ का जो राहत पैकेज है, इसको छोटे छोटे पैकेज में बांटकर इस तरह से मजदूरों, किसानों और गरीब तबके लोगों को जो है मदद दी जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप इस योजना के पात्र हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में जो भी माता बहन है इस योजना की पात्र है, तो आप जल्दी से उनका खाता जो है सुधरवाइए, उनके खातों को अपडेट टू डेट रखिए, उसके बाद ही आपको जो है अप टू डेट होने के बाद ही उसके अंदर पैसा आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। मैं लेके आऊँगा आपके लिए एक सरकारी अपडेट में, और भी नई सारी नई अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।